इतनी थ्रिलिंग हो जाती है, ये इससे इनको बोलना भी नहीं आता है और इनको पता भी नहीं है कि माननीय सदस्य क्या होते हैं। जो आदमी आप सदन में बोल रहे हैं दलित विरोधी आदमी, शर्म आनी चाहिए आपको। उनका अपना आपने जो कुछ कहा, कहा थे आप पाली में, पाली में घटना हुई कहा थे आपको, पाली जालौर में घटना हुई कहा थे, कौन सी पाली की बात कर रहे हो, कौन सी पाली की बात कर रहे हो, पाली में घटना हुई दलित विरोधी आदमी, शर्म नहीं आती, शर्म नहीं आती, बोलने की तमीज नहीं है, कांग्रेस के रूप में क्या कर रहे हैं, कहां से एसपी के रूप में क्या कर रहे हैं, जुलम आ रहे हैं, सब कांग्रेस के रूप में क्या कर रहे हैं, शर्म मोदी एक मोदी एससीएसटी पर जितने जुलम भाजपा और आरएसएस करती है, सरकार चुप बैठी है, इतना बड़ा रहे बात तो कहेंगे, अनुसूचित जाति वर्ग के व्यक्ति को सदन में धक्का रहे, कोई ऐसा नहीं है, ये अपमान है, मुद्दा बनाया जा रहा है, एससीएसटी के लिए, एससीएसटी के धनी है, एससीएसटी के धनी है, एससीएसटी के धनी है, अरे एससीएसटी की सबसे बड़ी दुश्मनी है, ये मुद्दा बाहर जा रहा है, ये राहुल गांधी बैठिए माननीय सदस्य, आप बैठिए ना, बैठिए, सबसे बड़ी दलित विरोधी, बैठिए बैठिए बैठिए, प्लीज प्लीज, सबसे बड़ी दलित विरोधी बैठिए, भाजपा संविधान विरोधी भाजपा, अपने स्थान पर जाइए, सबसे बड़ी संविधान विरोधी भाजपा, दलित विरोधी बैठिए, दलितों के विरोधी, सबसे बड़ी दलित विरोधी भाजपा, राजनीतिक फायदा उठाना चाह रहे हैं, सदस्य ऐसा क्या कह रहे हैं, बैठिए बैठिए, सभापति महोदय इनको बिठाइए, माननीय सदस्य बैठिए, सुनिए माननीय सदस्य, माननीय सदस्य, माननीय सदस्य, लेट हिम स्पीक, जब आपका टर्न आए आप भी बोल देना, अरे तब नहीं बोलेंगे, जब इनकी बारी आई पाली की सुमेरपुर की घटना हुई तब नहीं बोले, जालौर की घटना हुई तब नहीं बोले, पूरे गोंडवाड़ इलाके में, अरे पूरे गोंडवाड़ इलाके में एक भी स्कूल में दलित महिला नहीं है, ये माननीय आने वाले सदस्य बैठिए प्लीज, लेट हिम स्पीक, उनका भी अधिकार है बोलने का, ये मेरी तीन मिनट इनके खाते में डाल देना, ये मेरी तीन मिनट इनके खाते में डाल देना, सभापति बैठिए, कंटिन्यू करिए, 98 में चुनाव लड़ा था उस समय की आमदनी राज की आमदनी निकाल दूंगा, आप कंटिन्यू करिए अपनी बात, इनको रोको, रुक गए, एक बार तो जाप्ता कर दिया, एक बार जाप्ता और हो जाएगा, 2009 में जाप्ता हुआ था इनका, 2009 में राव सर की जनता ने हराया था इनको, 2009 में राजा फिर हराएंगे, यू प्लीज एड्रेस करिए, आप मुझे एड्रेस करिए, सभापति महोदय आपस में बात नहीं बढ़ाई जाए, आपस में बात नहीं, आनों में नफरी बढ़ाई जाए, आप सभापति महोदय, मैं आपको ही बोल रहा हूँ, आप बोलिए, सभापति महोदय थानों में नफरी बढ़ाई जाए, बोलिए प्लीज, ताकि प्लीज सुनिए, ताकि कानूनी कार्रवाई ढंग से निष्पादित हो सके, सभापति महोदय से मेरी विधानसभा क्षेत्र माननीय पीलीभंगा से आने वाले मेरी विधानसभा क्षेत्र में अभी सोनी मार्केट में आपकी गांधी बड़ी में पुलिस चौकी, उसके अलावा गोगा मेड़ी मेले में पुलिस चौकी स्थापना करने की मांग करता हूं, आप मुझे मेरी विधानसभा क्षेत्र में प्लीज प्लीज, ये तीन चौकियां डुगराना उप तहसील बन गई, जहां चौकी खोलने की जरूरत है, सभापति महोदय मेरे विधानसभा क्षेत्र में जो पुलिस थाना बिरानी सबसे पुराना थाना, उसका पूरा भवन जर्जर है, इसलिए मैं मांग करता हूं उसके भवन को दोबारा बनाया जाए, लेकिन 4-5 दिन बाद मुख्यमंत्री जी अवतरित होते टीवी पर और अपना वक्तव्य देते हैं, ये तो एक जोमेटो जो भोजन इधर उधर ले जाने वाली कंपनी है उसका वाई था, उससे एक्सीडेंट हुआ है, तो एक्सीडेंट उससे हुआ था तो उसको तुरंत क्यों छोड़ दिया गया, और जब डॉक्टरों ने बताया कि धातु के नकुले औजार से इसके गुप्तांगों में और हानि हुई है, तो क्या एक्सीडेंट से ऐसा होता है, तो उसको फिर यदि उसको क्यों नहीं पकड़ा, रातों रात क्यों छोड़ दिया, इसे साफ जाहिर है उस बच्ची के साथ गैंग रेप करने वाले कोई न कोई बड़े कांग्रेस के लीडर्स थे, इसके कारण से उस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई, माननीय सभापति महोदय कृपया 2 मिनट में समाप्त करिए, माननीय सभापति महोदय मेरी पार्टी ने मेरे को समय दिया है, मैं आपको
जो टाइम है उसको मैं देख के बात करता हूँ। समय दिया है माननीय सभापति महोदय, माननीय सभापति महोदय, भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस, भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस। जेडीए के वरिष्ठ सहायक लेखराज को बर्खास्त करने के बजाय जेडीए करीब सवा चार साल तक नौकरी करवाता रहा। आप आरोप लगा रहे हैं कांग्रेस के लीडर कौन से, आप बताओ, आप ऐसे कैसे अनगिनत आरोप लगा रहे हो सभापति महोदय? आप पहले बताओ कांग्रेस के लीडर कौन थे, आप आरोप लगा रहे हो सर कांग्रेस के लीडर कौन? आप सीट पर जाकर बात करो माननीय सदस्य, आप बीच में नहीं बोलोगे, बैठो नीचे। आप अपना समाप्त करिए एक मिनट में। माननीय सभापति महोदय, सरकार को चिंता इस बात की है कि जो रंगे हाथ पकड़े जाते रिश्वत लेते हुए, उनका नाम उजागर मत करना क्योंकि उनकी बदनामी हो जाएगी, उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा पर आंच आएगी। इसलिए आदेश जारी होता है कि ऐसे लोगों के नाम उजागर नहीं किए जाएं जो भ्रष्टाचारी हैं। क्या कहना चाहती सरकार, क्या दिखाना चाहती सरकार, भ्रष्टाचारी को संरक्षण क्यों दे रही है? लेकिन माननीय अध्यक्ष महोदय, आज भी मैंने सुना है कि शराब की तस्करी में पकड़ा हुआ एक आईपीएस लाइन ऑर्डर यानी कानून व्यवस्था संभालने के लिए वो एसपी जयपुर में लगे हुए हैं। कौन थे वो एसपी बताना, मुख्यमंत्री जवाब दे तो बताना। मेरी जानकारी के अनुसार शायद हिम्मत अभिलाष टाक थे जिन्होंने गुजरात में करोड़ रुपए की शराब की तस्करी की, जो तस्करों से मिले हुए थे। क्या कानून व्यवस्था संभालेंगे? थैंक यू। अरे चोरों को, बिल्ली को दूध की रफाली रख रहे हो माननीय सभापति महोदय। माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाह रहा हूं, मैं एक और निवेदन करना चाहता हूं। आपका समय प्लीज, मेरा समय संयम लोडा, मेरा समय है माननीय सभापति महोदय, समय।